यमुनानगर से अधिवक्ता राव रियाज अहमद ने अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध फोरम में मोबाइल कंपनी के खिलाफ हिंदी में केस दायर किया है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले उन्होंने जेएमआईसी संजीव काजला की कोर्ट में धारा चेक बाउंस के तहत केस दायर किया था, जिसकी पूरे प्रदेश में खूब चर्चा हुई थी। भारतीय भाषा अभियान के पश्चिम क्षेत्र संयोजक नवीन कौशिक ने कहा कि जनता को हिंदी में न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ये दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में भारतीय भाषा अभियान और न्यायालयों में भारतीय भाषाएं स्थापित हों, इस दृष्टि से हरियाणा प्रांत ने देश भर में सबसे पहला कदम उठाया कि अपने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके हिंदी को डिस्ट्रिक्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो एक नया मार्ग हरियाणा प्रांत की सरकार ने, हरियाणा प्रांत ने अपनाया, जिसे सारे देश को अनुसरण उसका करना चाहिए ऐसा लगता है। और बहुत बड़ा अधिकार दिया है जनता को, न्याय जनता की भाषा में मिलना प्रारंभ हो, इस दृष्टि से। अधिवक्ता राव रियाज अहमद के मुताबिक 2015 में पलवल जिले से शुरू हुआ भारतीय भाषा अभियान आज देश के 26 राज्यों में सक्रिय रूप से जनता को हिंदी भाषा में न्याय उपलब्ध करवाने की कोशिश में ये काम किया जा रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि अब्दुल रहमान ने करीब 3 महीने पहले सैमसंग का 70,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था, जिसमें तकनीकी खराबी आ गई है। अब्दुल ने सर्विस सेंटर पर मोबाइल ठीक करवाने के लिए संपर्क किया तो मोबाइल रख लिया, उसकी एवज में किसी भी तरह की रसीद नहीं दी। इसके बाद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। अब अब्दुल ने न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। और पहले भी आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से काफी चर्चा में आए हम, क्योंकि हमने सबसे पहला केस 138 का जो क्रिमिनल केस है वो डाला था। और आज उसी न्यूज़ को देखते हुए, आपकी न्यूज़ को देखते हुए एक और क्लाइंट मेरे पास आया है, जिन्होंने अपना हिंदी में केस दायर करवाया है मेरे से, और वो कंज्यूमर कमीशन का केस है जो हम आज पहली बार उसको डालेंगे। देखिए, जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ी अड़चन ज़रूर आती है, लेकिन आज हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो हमारे पास माननीय हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो हम उनको उनके समक्ष रखेंगे, तो जिससे वो हमारे केस को मना नहीं कर पाएंगे। शिकायतकर्ता अब्दुल रहमान का कहना है कि मीडिया में चली खबर से ही उन्हें पता चला कि अब यमुनानगर में पहला केस हिंदी में दायर हुआ है, जो कि एक क्रिमिनल केस है। इसी से प्रेरित होकर वो भी अपना केस कंज्यूमर कोर्ट से हिंदी में डलवाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती है और ऐसे में उसके केस में क्या चल रहा है वो ज्ञान नहीं पाता था, और अब उसकी मातृभाषा में केस फाइल हो जाने पर जज साहब आपको भी अच्छे से अपनी बात समझा सकता है। बहुत मुझे खुशी हुई कि जो मेरा केस जो यहाँ दाखिल हुआ है, मेरी भाषा में दाखिल हुआ है, क्योंकि इंग्लिश, हम लोग यहाँ हमारी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है जो हम अपना केस समझ सकें। जो हमने दाखिल किया, हमें कम से कम समझ तो आए कि हमने केस क्या दाखिल किया है, क्योंकि इससे पहले हमें कठिनाई आ चुकी है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपना मोबाइल की न्याय लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले मोबाइल में हमने एक सर्विस सेंटर के खिलाफ मेरे मोबाइल की शिकायत और सर्विस सेंटर के खिलाफ शिकायत करनी थी, तो मैंने कंपनी में मेल डाली थी, वो भी इंग्लिश में डाली थी, और वो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने अपनी शिकायत को किसी के माध्यम से इंग्लिश में अनुवाद करके मेल डाली है, मगर उसका जवाब नहीं आया, तो मुझे आज मजबूर होके न्यायालय में आना पड़ा न्याय लेने के लिए। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्राय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।